नमस्कार, मैं सूरज और हमारा YouTube चैनल सूरज मैकेनिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आईसर का गाड़ी है, जैसे देख पा रहे हैं BS6 गाड़ी है आईसर का। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसमें से इंजन से कुछ साउंड आ रहा है। 50-59 गाड़ी है आईसर BS6। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इंजन में साउंड आ रहा है, जैसे आप को मैं अभी स्टार्ट करके बताता हूँ। जैसे देख सकते हैं किस प्रकार से साउंड आ रहा है गाड़ी में। प्रकार से आ रहा है साउंड इसमें। जो टेपिटोबिट कवर खोल के चेक किया मैंने, तो इसमें कुछ दिखा नहीं। जो इसका जो डैन नट है, इसमें देख सकते हैं पूरा मेटल आ चुका है। इसका मतलब इसका कनेक्टिंग का बैरिंग चला गया है। जो कनेक्टिंग का बैरिंग रहता है वो घिस गया है पूरा। इसमें ऑयल लेवल भी बराबर था, पानी बराबर था, सब कुछ बराबर था, फिर भी ये हाल है गाड़ी का। ये डबल कैम वाला हेड है इसमें, जिसे देख पा रहे हैं। इंटेक के लिए एक्स्ट्रा कैम और एग्जॉस्ट के लिए एक्स्ट्रा कैम। तो इस इंजन को अभी हम लोग रिमूव करेंगे। इसके लिए दूसरा नया इंजन आ चुका है, जिसे देख पा रहे हैं ये नया इंजन है, कंपनी तरफ से दिया हुआ है इसको रिप्लेस करने के लिए। ये भी नया इंजन तो नहीं है, ये भी बना हुआ इंजन है। तो इस इंजन को अभी बाहर निकालना है हम लोगों को। जैसे देख पा रहे हैं टेपिट कवर लगा दिया है, जो रेडिएटर है, गियर बॉक्स, टर्बो पाइप है, सारा कुछ हम लोगों ने खोल दिया है अभी इसका। जैसे देख पा रहे हैं इसका जो वायरिंग है, इसको पूरा बाहर निकाल दिया है। जितना भी वायर का कपड़ा था सारा खोल के इसको बाहर निकाल दिया है। अभी इस इंजन को बाहर निकालना है, जैसे देख पा रहे हैं। ये इसका हाई प्रेशर पंप, यूनिट पंप भी बोला जाता है इसको, और इसका वाटर पंप, और ये इसका पावर स्ट्रिंग मोटर है, और ये क्रैंक पुली है जिसे देख पा रहे हैं। ये फैन पुली और वो कंप्रेसर का बेल एडजस्टर है। ये आईसर का 2059 मॉडल है, 4 महीना ही चला है गाड़ी, ज़्यादा नहीं, 23,000 किलोमीटर चला हुआ है अभी तक। उसका बाद ये हाल है गाड़ी का। तो सारा कुछ रिमूव कर दिया अभी, जो गियर बॉक्स है उसका भी सारा कुछ खोल दिया, अभी उतारना ही बाकी है। जिसे देख पा रहे हैं इंजन काफ़ी छोटा है इसका, काफ़ी छोटा मतलब 4 सिलेंडर इंजन है, एल्यूमिनियम का हेड है, डबल कैम, टाइमिंग चेन लगता है इसमें, पिनियन का कोई सिस्टम नहीं है टाइमिंग का। तो अभी इस इंजन को बाहर निकालेंगे, जिसे देख पा रहे हैं हम लोग का जो सर्विस वैन है उसी का मदद से इसको बाहर निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको फटाफट से निकाल देते हैं हम लोगों को, जिसे देख पा रहे हैं चैन पुली का मदद से इसको बाहर निकाल देंगे हम लोग। रहा। तो अभी इसका जो क्लैम्प रहा था ये।
चैन वैन सब बांध दिया है, अब इसको उतारना है बाहर। देख सकते हैं किस प्रकार से निकाल दिया है हम लोग वो इंजन। तो अभी दूसरा इंजन हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है, जैसे देख पा रहे हैं सारा वायरिंग हार्नेस सारा कुछ लगा दिया, अभी रेडिएटर और गियर बॉक्स लगाना बाकी है। देख सकते हैं इंजन पूरा दूसरा बिठा दिया हम लोगों ने अभी। तो इंजन बिठाने के बाद सारा कुछ लगा दिया, इसमें इस प्रकार से कुछ फॉल कॉड आ रहा है, इसका बारे में भी बाद में बात करूंगा। सो इंजन तो कंप्लीट बिठा दिया है, उसका बाद में इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, जो इंजेक्टर था वो पुराना इंजेक्टर जो था उसमें स्टार्ट हो गया गाड़ी 30 सेकंड, उसका बाद में दूसरा इंजेक्टर हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, उसमें भी गाड़ी 30 सेकंड स्टार्ट होकर बंद हो गया। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या था सारा डिटेल्स बताएंगे। तो जो पुराना वाला इंजन है उसको लेके जा रहे हैं हम लोग, जा बो तो गाड़ी देख सकते हैं रोड का हालत। जाओ 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 इंजन में दिक्कत क्या था और दूसरा इंजन भी हम लोग उसका टाइमिंग क्या है, उसका टैपिक का सिस्टम क्या है सारा कुछ बताएंगे। बने रहिए हम लोगों का चैनल में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। কোনে মাতিছে কি কৰিব কথা।